असलम व्यवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने सारे व्यवर्स को जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे अपनी पिछली वीडियो पर और काफ़ी सजेशन दी जिन पर मैं बहुत वर्क करना चाहूँगा जिनपे सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट था के हाथ अपने कंट्रोल में रखने तो इनशा आई विल वर्क ऑन इट एंड आई आई एम वेरी हैप्पी के लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया इसमें कोई मुझे मैंने ऑफेंडेड फील नहीं किया क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और मैं इसको पॉजिटिवली लूंगा बिकॉज आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू वांट मी टू इम्प्रूव एंड गेट बेटर डे बाय डे सो आई ट्राई माय बेस्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं सॉरी आते हैं मैच के ऊपर आज का मैच था काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग था काफ़ी लोगों के लिए लेकिन फॉर मी इट वॉज ऑन द कार्ड्स के अफगानिस्तान इज़ सच अ डेंजरस बॉलिंग लाइन अप दैट इट कैन डिस्ट्रॉय एनी बैटिंग लाइनअप सो सबसे पहले आज के मैच का शुरू हुआ पहले ओवर में ही फजल हक फ्रूकी ने दो विकेट्स ले ली उससे बहुत एक अच्छा मोमेंटम सेट हो गया अफगानिस्तान की साइड के लिए और जैसा सबको बताया कि इस इस टाइम पे एशिया कप में सबसे जो डेंजरस बॉलिंग लाइनअप है और एक एज अ टीम एज अ यूनिट जो वर्क कर रही है वो अफ़गानिस्तान की टीम है तो मेरे लिए तो वो वन ऑफ़ द फेवरेट्स टू प्ले द फ़ाइनल है और मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि ये फ़ाइनल खेलेंगी क्योंकि हिस्ट्री uh, में आज तक पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल कभी नहीं हुआ है एशिया कप में हमेशा या तो बांग्लादेश आता है या कोई और टीम आती है पाकिस्तान और इंडिया कभी नहीं आई तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान या बंग्लादेश में से कोई टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी तो मेरे ख़्याल से तो श्रीलंका के लिए बहुत कम चांसेस रह गए हैं कि वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफ़ाई करें क्योंकि उनका ग्रुप काफ़ी टफ़ है तीनों साइड्स जो हैं वो परफेक्टली बैलेंस्ड हैं कोई आप ये नहीं कह सकते कि एक मीनो है और दो क्वालिफाई कर जिस तरह हमारा ग्रुप है उसमें हांगकांग को मीनो ही कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया नहीं क्वालीफाई करना है बट नो वन नोज कभी भी कोई अपसेट हो सकता है बट स्टिल उनका ग्रुप बहुत वेल बैलेंस्ड है जिसमें से मुझे लगता है कि श्रीलंका इज़ गोना बी द वन हु विल नॉट क्वालीफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज तो इसके लिए ये टूर्नामेंट काफ़ी एक्साइटिंग स्टार्ट हुआ है कि अफगानिस्तान ने जीता है और वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है टेंथ ओवर में राशिद खान को लाया गया और टेंथ ओवर से पहले उन्होंने आधी से ज़्यादा टीम आउट कर दी थी छः आउट कर दिए थे तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान टोटली अपने जो सा एस बॉलर पे रिलाई नहीं कर रही आज के मैच में राशिद खान के फिगर्स हैं जीरो फॉर ट्वेल्व इन फोर ओवर्स मतलब कि उनके जो मेन बॉलर ने एक विकेट भी नहीं ली फिर भी उन्होंने मैनेज किया है कि दूसरी टीम को आउट करने का तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो एज़ अ यूनिट कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है तो उसके अलावा काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई है नबी की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग थी मुजीब ने दो विकटें ली हैं ट्वेंटी फोर रन से नबी ने भी दो विकेटें ली फोरटीन रनस दे के तो काफ़ी एक अच्छा वेल well बैलेंस एक टीम जेल होगी हुई है फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी की है रनआउट्स भी हुए हैं तो अफगानिस्तान प्रॉब्ली द फेवरेट्स टू प्ले द फाइनल उसके अलावा काफ़ी स्टेटमेंट्स आई हैं सबसे पहले कमेंट्स की तरफ चले जाता हूँ जो प्रीवियस वीडियो पर कमेंट्स आए हैं तो उसमें सबसे पहले काफ़ी लोगों ने यही कहा है कि हसन अली की जगह दहानी को खेलना चाहिए एंड वी शुड गो फॉर द किल अगेंस्ट इंडिया तो मोस्ट प्रॉब्बली अभी न्यूज़ आई है कि हसन अली फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो मोस्ट प्रॉबली दहानी और हसनैन में से कोई उसको रिप्लेस करेगा तो अगर इन दोनों में से दोनों इन एक्सपीरियंस हैं दोनों ने बड़े स्टेज पे नहीं खेला हुआ और ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए दोनों में से अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं दहानी को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हसनैन का भी एक्शन का इशू आया है और वो कम बैक कर रहा है और उसने अभी तक कोई प्रॉपर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिसके बेस पे हम उसे इतना बड़ा मैच खिला दें Uh, हालांकि मैच इतना हमारे लिए वो उस तरह नहीं है डू एंड डाई क्योंकि अभी ये ग्रुप uh, स्टेजेस का मैच है हांगकॉन्ग और इंडिया के साथ हमने खेलना है और इनमें से अगर हम एक हांगकॉन्ग को भी हरा दें बेशक इंडिया से हम ना जीतें मैं वैसे ही बता रहा हूँ इसमें यह नहीं है कि हम ईजी लें इस मैच को हमें अपना परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन है जो हमें फ़ाइनल के लिए या पूरे टूर्नामेंट के लिए खिलाना चाहिए वही उसको प्रॉपर एज अ फाइनल सीरीज लेना चाहिए मैच को लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी ये जो सा मैच है ये उस तरह का नहीं है कि नॉक आउट है तो अभी हम चाहिए कि हम वही कॉम्बिनेशन खिलाएं जो हम फाइनल में खिलाएंगे अगर फाइनल में हम क्वालिफाई किए वी शुड प्ले आवर बेस्ट इलेवन सो उस हिसाब से दहानी और दोनों वो अभी इन एक्सपीरियंस है लेकिन दिस इज़ द मैच वेयर हीरोज़ आर मेड सो Uh, कोई भी बंदा जो इस मैच में परफॉर्म करे वो हीरो बन जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये मैच है जब सीजनल फैंस भी जो होते हैं जो कभी वैसे क्रिकेट का उनको पता नहीं होता मैच देखते नहीं है वो भी ये मैच आके देख के ऐसे बन रहते हैं जैसे उनको सब पता है लेकिन ये मैच में जो परफॉर्म कर दिए ऑब्वियसली वो एक स्टार बन जाता है ओवरऑल पूरी कंट्री में तो पाकिस्तान की साइड वेल बैलेंस है अलहमदिल्ला लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जिस तरह ये अब अफगानिस्तान की स्पिन अटैक है तो हमें शुएब मलिक की एब्सेंस है वो बहुत हर्ट करेगी क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में अगर आपकी दो तीन विकटें इकट्ठी गिर जाएं तो एक हमें रिकवरी के लिए एक बैट्समैन होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में जो करे अभी जो हमारे जो पूरी बै, बैटिंग लाइनअप है कोई भी ऐसा आपको नहीं नज़र आएगा बैट्समैन जो स्पिन को अच्छा खेलता हो इवन बाबर बहुत स्ट्रगल करता है हालाँकि वो इम्प्रूव कर रहा है बाफ़ी उसने इंप्रूवमेंट्स लाई है काफ़ी ड्रिल्स की हैं महाराज के ख़िलाफ़ वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था फिर उसके साथ काफ़ी काम किया यूनस खान ने वो जो ड्रिल्स होती हैं बॉल गीले करके स्वीप्स की प्रैक्टिस कराई और भी काफ़ी काम किए होंगे शोरली उसने यूसुफ के साथ भी तो इनशाला वो एक बैटर बैट्समैन बनेगा और हर तरह की बॉलिंग को खेलना उसे आता आता मास्टर करेगा स्किल्स लेकिन मिडल ऑर्डर में हमें शुएब मलिक की बहुत कमी महसूस होगी बिकॉज वी ऑल नो के वन जब वो निकल के शॉट खेलता है वन ही पुट्स डांसिंग शूज ऑन इट्स श्योरली सिक्स तो ये हफीज़ का भी ये सेम चीज़ थी तो ये जो एक्सपीरियंस है कि विकेट्स अगर गिर जाएं अर्ली विकेट्स पावर प्ले में तो एक बैट्समैन ऐसा रिलायबल होना चाहिए था लेकिन काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं गए वडा हो गया है और ये रिफ्लेक्सेज वीक है लेकिन के पी एल में उसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो नहीं किसी को मुंह उठा के आप दे देते कुछ किया होता है तो उसी को ये देते हैं तो ये शुब मलिक की मेरे ख्याल से बहुत कमी महसूस हो गई लेकिन अल्लाह करे कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है इस मिडल ऑर्डर में मेनली हैदर खुशदिल और आसिफ ये तीन जो मेन प्लेयर हैं इनका आपको पता है कि तीनों स्पिन को उस तरह नहीं अच्छा खेलते जिस तरह वो खेलते थे बाकी दो तो अल्लाह करे कि हम अच्छी तरह अपने इनिंग्स खेलें और कोई इस तरह का कोलेप्स ना आए बीच में उसके अलावा विराट कोहली ने काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हैं बाबर आजम के लिए उसने बताया कि हमारा पहला इंट्रैक्शन हुआ था 2019 वर्ल्ड कप के मैच के बाद क्योंकि इमाद वसीम और विराट कोहली की काफ़ी पुरानी ये... है लिंक उनका अंडर नाइनटीन के डेज से तो उस विराट कोहली ने बताया कि इमाद वसीम ने मुझे आके कहा था कि बाबर आपसे चैट करना चाहता है तो उन्होंने बाबर से बात की ये दोनों ने डिस्कस किया क्रिकेट के बारे में तो विराट कोहली ने कहा कि मैंने उसे बहुत डाउन टू अर्थ पाया है और उसके बहुत रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट थी मेरे लिए तो जो कि बहुत अच्छी लगती है और अभी भी वो कहता है कि प्रॉबेबली ही इज़ द टॉप बैट्समैन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ये विराट कोहली ने कहा है और स्टिल उसने अपना जो सा फ़ेम मिल जाता है तो लोग काफ़ी उस तरफ माइंड उनका हवाओं में चले जाते हैं लेकिन बाबर अभी तक वो डाउन टू अर्थ है और हम्बल है जो कि चीज़ बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि अगर फ़ेम मिल जाए तो बंदों से कंट्रोल नहीं किया जाता लेकिन अभी तक बाबर से आप कभी उसके अंदर वो चीज़ नहीं फील करेंगे कि उसके अंदर कोई गरूर या हल्का सा आ जाता है फ़ील हो जाता है सबको लेकिन उसमें अभी तक वो एक अच्छा और शरीफ और डाउन टू अर्थ लड़का है और अल्लाह उसे और कामयाब करे और उसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईजी नहीं लेना चाहिए कि हॉन्ग अगर हार भी गए इंडिया से तो हांगकांग को और आगे आ जाएंगे दैट्स नॉट द वे वी प्ले टूर्नामेंट्स सो हमें अपना वही कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए जो हम समझते हैं कि फाइनल में खेलना चाहिए तो वी शुड नॉट टेक इट ईजी क्योंकि इंडिया भी अब बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है और कोहली ने प्रैक्टिस मैच में काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली है थर्टी सिक्स बॉल पे वन थर्टीन जो रिपोर्ट्स आ रही थी अगर वो कोई सैनैरियो बेस्ड है या जो नेट्स में खेलती जिस तरह का भी है लेकिन ये सुनने में आया तो मुझे तो लग रहा है यही वो टूर्नामेंट है जिससे वो अपना फॉर्म रीगेन करेगा काफ़ी उसने डिस्कशन भी की है कि मेंटल हेल्थ उसकी कैसे इफेक्ट की गई थी और वो क्या फील करता था तो उसने उसके बारे में काफ़ी ओपन अप हुआ है हमें चाहिए कि हम अपना बेस्ट स्क्वाड खिलाएं बेस्ट एलेवन खिलाएं कोई भी प्लेयर हीरो बन सकता है मेरे सिक्स स कहता है मुझे लगता है कि नवाज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस मैच में और कोई भी प्लेयर हीरो बन सकता है हर प्लेयर में पोटेंशियल है कि वो कभी भी मैन ऑफ द मैच बन सकता है पाकिस्तान को मैच जिता सकता है इसी वजह से वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है ये एम ही नहीं कोई टीम में आ जाता प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं परफॉर्मेंसेस के थ्रू आते हैं और प्रॉपर ये सिलेक्टर्स का ट्रस्ट गेन करते हैं कोचेस का कैप्टन का तब वो आके इस लेवल पे खेल रहे हैं तो हर प्लेयर में पोटेंशियल है जर्म्स हैं कि वो कभी भी मैच जिता सके पाकिस्तान को तो बाकी वी विश के एक अच्छा मैच हो और अच्छा टूर्नामेंट हो जैसे लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है आज के मैच में और आपको कोई भी मेरे से सजेशन चाहिए हो या कोई भी ओपिनियन चाहिए हो या आपका कोई अपना ओपिनियन आप शेयर करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी ओपन अप कर लें और मेरे से किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करानी हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला पिछली वीडियो में इनशाला एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा गुड लक